सो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आ चुके हो वापस हमारी माइनक्राफ्ट के मजेदार वीडियो के अंदर। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत मजेदार एडन, जिसकी मदद से आप कोई से भी मॉब के पावर ले सकते हो। सर्वाइवल के अंदर आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप कोई से भी मॉब को मारोगे तो उनकी पावर आपके पास आ जाएगी। तो चलो मैं आपको एडन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ वो वाले वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर ये वाला एडन एड है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास अलग अलग मॉब्स के हेड ऑन है, जैसे कि ये आप देख सकते हो स्लाइम ब्लॉक्स एंड एंडरमैन। और अभी मैं इसके अंदर क्रिएटिव में, इसलिए मैं इनको अभी क्रिएटिव के अंदर से निकाल लिया है। पर अगर आप यहाँ पे सर्वाइवल के अंदर हो तो आपको उनको मार के ये वाले हेड ऑन मिलने वाले। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ चिकन की पावर। जैसे आप चिकन को मारोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है स्लो फॉलिंग 2, जिसकी मदद से आप अगर आप कितने भी ऊपर से गिरोगे तो आपको यहाँ पे फॉल डैमेज नहीं लगने वाला है। और बस एक चिकन को मारने के बाद आपको ये वाला हेड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इसका अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। सो आप बोलोगे कि अब काऊ के पास तो कोई सी पावर रहती नहीं, तो वो हमें कौन सी पावर देगी? तो अगर मैंने यहाँ पे काऊ को मारा तो मुझे यहाँ काऊ का हेड मिलेगा एंड उसके बाद मैं इसको यूज करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी इन्वेंटरी के अंदर आ चुका है कुक्ड बीफ, जिसकी मदद से मुझे खाने की कमी तो नहीं होने वाली है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा गोलम। तो जैसे आप गोलम के पावर यूज करोगे तो आपको मिल जाएगी स्ट्रेंथ 4, और आप कोई से मॉब को मारोगे तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सर्वाइवल के अंदर और अब मैं यहाँ पे कोई से भी मॉब को मारूंगा। जैसे कि अभी मैंने चिकन को मारा तो मुझे यहाँ पे न्यू पावर अनलॉक चिकन पावर एंड मुझे यहाँ पे चिकन का हेड मिल चुका है। तो आपको भी कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा और उसका आपको हेड मिल जाएगा। तो गाइस एंडरमैन की पावर तो आप कैसे ही भूल सकते हो। आप इसकी मदद से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। जैसे कि मैं जहाँ पे भी देखूंगा वहाँ पे मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं इसकी मदद से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। मैं वहाँ पे इतनी दूर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। देखो बस आपको यहाँ पे अपना हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही आप टेलीपोर्ट हो गए तो आपको फॉल डैमेज लग सकता है। और एक और खास मॉब है जिसका नाम है बफर फिश। जैसे आप इसका यूज करोगे तो आपको पॉइजन लग जाएगा। आप बोलोगे इसमें क्या हमको एडवांटेज मिल रहा है? तो गाइस आप देख सकते हो कि आपको भी पॉइजन मिला है, बट हमारे जो आइट साइड मॉब है उनको भी यहाँ पे पॉइजन लग चुका है। तो अगर आप नाइट में घूम रहे हो तो आपको जो ज़ॉम्बी है उनको भी पॉइजन लगेगा और उनकी भी हेल्थ कम होगी। एंड गाइज हमारा सबसे पावरफुल एंडर ड्रैगन पावर। तो गाइज इस पावर की मदद से आप जैसे इसका यूज करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कितनी ज्यादा हेल्थ आ चुकी है। और अगर मुझे इफेक्ट की बात करूंगा तो आप देख सकते हो कि रीजनरेशन मुझे अनलिमिटेड मिल चुकी है और हेल्थ बूस्ट भी मुझे अनलिमिटेड मिल चुकी है। बट अगर आप एंडर ड्रैगन पावर को यूज करना चाहते हो तो आपको पहले मानना पड़ेगा एंडर ड्रैगन को, और जब जाके आपको रीजनरेशन और हेल्थ बूस्ट मिलेगी। तो आपको एंडर ड्रैगन मारने में इसको पावर का यूज नहीं कर पाओगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला एडन आप आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मैंने एक पिन कमेंट करके रखी हुई है, तो उस पर क्लिक करके आप ये वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। तो जैसे आप ये वाली वेबसाइट पे आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा मूव आपको कौन कौन सी पावर दे रहा है। तो आपको जो विलेजर को है, विलेजर के मारने के बाद आपको हीरो ऑफ द विलेजर मिलेगा। तो ये वाले मोड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चल जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद फिर ये वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। देन फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको दिख जाएगा फ्री एक्सेस विद एड। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप यहाँ पे एक कोई से एड पे क्लिक करके बैक आ जाना है, फिर वापस नीचे स्क्रॉल करना है एंड वापस से फ्री एक्सेस पे चले जाना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मीडिया फायर की लिंक मिल जाएगी। तो ये वाले फोल्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको चले जाना है जेड आर्चीवर के अंदर। जेड आर्चीवर और फाइल मैनेजर आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जेड आर्चीवर का यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने फाइल डाउनलोड करी थी वो फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है। ये मैंने जो क्वेश्चन मार्क वाली है वो मैंने ऑलरेडी उसको अनजिप करके रखी हुई है। तो ये जो जिप फाइल है इसका हमको यहाँ पे डॉट जिप रिमूव करके ओके कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसलिए मेरी ये जो सेकेंड फाइल है वो क्वेश्चन मार्क में नहीं हुई है। तो मैं देखो अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद वापिस इसके ऊपर क्लिक करके रीनेम करता हूँ और जो डॉट जी पे उसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर आ चुका है क्वेश्चन मार्क। फिर आपको ये वाले फाइल पे क्लिक करना है एंड व्यू पे क्लिक करना है, एरो पे मत क्लिक करना। आपको यहाँ पे जो आई का आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा बियर पैक और रिसोर्सेज पैक। तो जैसे आप यहाँ पे बियर पैक को कॉपी कर सकते हो एंड उसके बाद बैक आना है। आपको जाना है एंड्रॉइड के अंदर डाटा के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे ढूंढना है कॉम डॉट मोजिंग। जैसे आपको कॉम डॉट मोजिंग मिल जाएगा आपको यहाँ पे टैप करते जाना है एंड जो हमारा डेवलपमेंट बिहेवियर पैक है इसके अंदर आपको यहाँ पे बिहेवियर पैक पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बिहेवियर पैक करा, आपको रिसोर्सेज पैक भी सेम डेवलपमेंट के अंदर कॉपी कर देना है। देन फिर आपको माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है।
सो यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ये वाले एडन को किस तरह से ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे प्ले के क्लिक करोगे, आप मैं अब यहाँ पे नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, आपके पुराने वर्ल्ड के अंदर भी ये वाला एडन ऐड कर सकते हो। तो इसको तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएटिव के अंदर रख रहा हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर चले जाता हूँ। फिर अवेलेबल के अंदर जाके जो भी हमने यहाँ पे एडन ऐड करा था उसको हमको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप रिसोर्सेज पैक एक्टिवेट करोगे बिहेवियर पैक ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड रिसोर्सेज और बिहेवियर पैक के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑन भी ऑन करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट है ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको ऑन कर लेने हैं। और अगर आप आपके पुराने वर्ल्ड के अंदर अगर आप ये वाला एडन ऐड करना चाहते हो तो उसके भी आपको एक्सपेरिमेंट ऑन करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में हम ये वाला वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। मजा आया।